स्वर्ण उत्थान समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंडल कमीशन लागू किए जाने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद SC ST एक्ट को सदन में लाकर इसके प्रति अध्यादेश जारी करने का कार्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार के इस कार्य के विरोध में समिति आगामी 8 अगस्त को प्रदेश भर में नगर निगम में विरोध प्रदर्शन कर काला दिवस के रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा, के माध्यम से हम बता सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि 8 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ था और मंडल कमीशन लागू होने के बाद देश में तमाम आंदोलन हुए, क्रांति हुई, शहीद हो गए लोग, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। एक तरफ जहां 27% का आरक्षण लादा गया, उसके पहले पूरा समाज 22.5% के आरक्षण, SC ST के आरक्षण से जूझ रहा था। इसके बाद 8 अगस्त को जो लादा गया, उसके विरोध में हम पिछले 7-8 सालों से परंपरागत ढंग से काला दिवस मनाते हैं और आज के तिथि में पूरे देश के विभिन्न जिलों में, प्रदेश के विभिन्न जिलों में काला दिवस 8 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसमें हर संगठन हमारे साथ शामिल है, अखिल भारतीय एकता परिषद, ब्राह्मण एकता परिषद, सवर्ण सेवा संस्थान के अध्यक्ष माननीय अजय शंकर श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, विद्वत महासभा के सदस्य माननीय पंडित गौरी शंकर शास्त्री जी बैठे हुए हैं, सर्व ब्राह्मण उत्थान समिति के संयोजक ओम प्रकाश तिवारी जी, विजय नारायण मिश्रा जी, राम सागर पांडे जी और आरक्षण विरोधी समन्वय समिति के माननीय अवरीश मणि जी, उसी के सदस्य अमरीश राय जी, ये सभी लोग हमारे साथ हैं। लगभग 8 संगठन हमारे साथ है, जिसमें राष्ट्रीय समानता पार्टी के अध्यक्ष माननीय त्रिभुवन शर्मा जी ने हमें समर्थन भेजा है, माननीय राणा ठाकुर दिल्ली से हमें समर्थन भेजा है, राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी मनोज श्रीवास्तव जी ने हमें समर्थन भेजा है। बाकी जो SC ST का संविधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ मोदी सरकार ने उलट दिया है, उसके खिलाफ भी हमारा ये आंदोलन है।